गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपके लिए बिग बॉस की उस बात की खबर लेकर आई हूं जिसने आप सभी को कल से परेशान किया हुआ है कि आखिर हिमांशी को किसने मना किया कि आसिम से अपने प्यार का इजहार ना करें। तो इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर वो कौन शख्स है कि जिसने हिमांशी को इस बात के लिए मना किया था और क्यों मना किया था। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो आप जानते ही हैं कि आज जो है हिमांशी रश्मि देसाई से बात कर रही होंगी। हमने इसकी छोटी सी झलक देखी थी जहां रश्मि देसाई बोलेंगी कि आसिम के इसमें बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है लेकिन तुम में क्यों नहीं। तो वो जवाब देती हैं कि बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको मुझे क्लैरिफाई करना है। साथ ही रश्मि कहती हैं कि तुम दोनों जो है रिश्ता जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज़्यादा लगता है। हिमांशी कहती हैं कि उसका बहुत कोई क्लोज है जिसने मुझे कहा है कि तुम जो है अभी लव कन्फेस मत करना। और इसी के बाद से चर्चा शुरू हुई कि आखिर वो कौन शख्स हो सकता है। तो वो शख्स कोई और नहीं आसिम के बड़े भाई उमर रियाज हैं जिन्होंने हिमांशी को ये करने के लिए मना किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने हिमांशी को इस बात के लिए मना क्यों किया। क्या इसलिए कि वो जानते हैं कि आसिम की बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, या क्या इसलिए कि वो जानते हैं कि आसिम रिश्ता नहीं निभा पाएगा, या कुछ और कारण होगा। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जो कारण दिया है वो ये है, मैंने बोला हिमांशी को कि मेरे पिता शो देखते हैं इसलिए प्लीज़ एक लाइन रखना और ज़्यादा कॉजी मत होना, यानी ज़्यादा लिमिट मतलब लाइन क्रॉस मत करना, ज़्यादा नज़दीक मत आना और बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में जो है एक दूसरे के रिलेशनशिप और फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है बातें मत करना। मेरे पिता को आसिम की पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि आसिम इस समय गेम पर फोकस करे, किंग और हैशटैग किंग आसिम। तो ये जो है उन्होंने पूरा बयान लिखा है, मैं आपको जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया जो उन्होंने लिखा है मैं लिख के सुनाती हूँ। आई टोल्ड हिमांशी दैट माई फादर वॉचेज द शो एंड काइंडली मेंटेन अ लाइन एंड नॉट गेट कॉजी एंड नॉट टू बी टू वोकल अबाउट द रिलेशनशिप इफ दे लव ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। माई फादर डजेंट हैव प्रॉब्लम विद आसिम्स पर्सनल लाइफ बट ही वॉन्ट्स हिम टू फोकस ऑन द गेम राइट नाउ। जाहिर सी बात है कि उमर का जो इंटेंशन था वो ये था कि वो हिमांशी को बोले कि अभी अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा खुलकर बात मत करना, उसको बाहर आने दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि घर के अंदर, उनके पिता चाहते हैं कि घर के अंदर रहते हुए आसिम जो है गेम पर फोकस करे, कहीं और नहीं। और हिमांशी ने उसी बात को माना है और इसीलिए जो है अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया है आसिम पर। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हारे लिए ही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप आसिम के पिता का सोशल हैंडल देखें तो उसमें भी कई बार जब उनसे सवाल किया जाता है तो उन्होंने जो है हिमांशी के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही बोला कि जब आसिम की बिग बॉस के घर की अच्छी और ख़ास दोस्त, उन्होंने उसकी ज़िंदगी की नहीं बोला, उन्होंने बोला बिग बॉस के घर की अच्छी और ख़ास दोस्त घर के अंदर गई, तब आसिम जो है अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत समय हो गया है कि वो अपने परिवार से दूर है। वहीं जो है वो उन्होंने बार बार ये लिखा है कि वो आसिम जो है अपने गेम पर फोकस करेगा और गेम को और उछाले जाने की कोशिश करेगा। तो कहीं पर भी उनके पिता ने इन दोनों के रिलेशन के बारे में जो है खुलकर बात सोशल मीडिया पर नहीं की है। जब हमने उमर से भी पूछा था तो उनका ये कहना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अभी सब चाहते हैं कि वो अपने गेम पर फोकस करें। तो जाहिर सी बात है कि हिमांशी को ये बात किसी और ने नहीं बल्कि आसिम के भाई उमर रियाज ने बोली है कि एक रिश्ता जो अगर है भी, अगर आप दोनों के मन में प्यार है भी तो उसको मेंटेन करें, अभी ज़्यादा जो है बिल्कुल भी कॉजी ना हो घर के अंदर, एक लाइन मेंटेन करें और घर से बाहर आने के बाद ये सारी बातें हो सकती है। और उसी का जो जिक्र है हिमांशी शो के अंदर रश्मि देसाई के साथ करती हुई नजर आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या आसिम के अगेंस्ट हो जाएंगी, क्योंकि हिमांशी ने कल जब बात कर रही थी तो इस बात का भी जिक्र किया कि आसिम जिस तरह से उन्हें प्रपोज कर रहे थे वो काफ़ी फिल्मी लग रहा था। तो आपको क्या लगता है कि हाँ हिमांशी की ये बात कहना क्या आसिम के अगेंस्ट जाएगी, क्या आसिम के फैंस को बुरा लगेगा, क्या ये बात जो है आसिम के गेम खराब कर सकती है, आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।